दोस्तों दिन भर काम करने के बाद हर कोई सोचता है कि घर में जाके अच्छा तरीके से नींद ले, ठीक है, उसको नींद अच्छी तरीके से हो। तो ये हर कोई चाहता है कि दिन भर बहुत काम करने के बाद शरीर थक जाता है, तो उस टाइम हर कोई चाहता है कि घर में जाके अच्छी तरीके से नींद हो। लेकिन दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है सर्दी के कारण से, जुकाम के कारण से आप रात को सो नहीं पाते हो क्योंकि आपका नाक बंद रहता है, ठीक है, बहुत कारण से होता है। तो आज यही चीज़ लेके मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करने से पहले स्वागत है मेरा इस DR TV चैनल में। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक लेके मैं बात करने वाला हूँ ये एक नासोकैन ड्रॉप है जो कि नसल ड्रॉप है, यानी कि ये आपका नाक खोलने में आपको सहायता करेगा। यानी कि जब आप सो रहे हो या फिर आपका जब जुकाम हो चुका है, सर्दी हो चुका है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, जिस कारण से आपको बात बोलने में या फिर आपको किसी से फ़ोन में बात करने का टाइम में या फिर खाना खाने का टाइम में जो दिक्कत वगैरह होती है, नाक से पानी गिरना या फिर आप ठीक टाइम से खाना नहीं खा पाते हो। जैसे कि ज़्यादातर ये होता है कि अगर आपको सर्दी लग गया या फिर जुकाम लग गया तो अगर नाक से पानी गिर रहा है कंटिन्यू या फिर आपका एक नाक बंद हो, तो आप लोग अपना दोस्तों के साथ या फिर आपका जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उन लोग के साथ जब भी आप मीटिंग करते हो या फिर खाना खाते हो या फिर कुछ भी बातचीत करते हो, तो ये सर्दी जुकाम जो बीच में चला आता है जिस कारण से एनी टाइम आपको हँसी आता है, रुमाल आपको एनी टाइम पॉकेट में रखना पड़ता है नाक पोंछने के लिए, जो कि बहुत ही एक ख़राब सिचुएशन होता है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों नसल ड्रॉप अगर आप पॉकेट में रखते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होता है, ठीक है। खाली आपको रात के सोने का टाइम नहीं, जब भी आपका नाक बंद हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। बस सिंपल इसका प्रोसीड्योर है, इसको ये खोल के नाक के अंदर डाल के जस्ट खाली वन प्रेस करना है। इस तरीके से अगर एक प्रेस कर देते हो तो इसमें से जो लिक्विड है वो लिक्विड आपका नाक के आसपास का जितना भी ऑब्स्टेकल है सबको दूर करने में आपको सहायता करती है, ठीक है। तो दोस्तों आज मेरे पास जो टॉप जो ब्रांड है ये है आपका लेफोर्ड कंपनी का बनाया हुआ नासोकैन बोल के एक ब्रांड है जिसका MRP है 50 रुपीज़। नासोकैन इसका नाम है, ब्रांड नेम है, और इसका अंदर जो दवाई है वो है आपका जाइलोमेथाजोलिन नसल ड्रॉप, IP में रहता है ना, जाइलोमेथाजोलिन रहता है इसमें आपको, IP में 0.1% WB में रहता है, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड रहता है इसमें, IP में रहता है 0.01% WB में रहता है। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह होता नहीं है, ये जस्ट आपका जो सांस लेने का जो रास्ता है जो एसोफेगस है उसका अंदर में जितना भी ऑब्स्टेकल वगैरह होता है, चाहे वो कॉफ से हो या फिर आपका जो नाक से पानी गिरता है उस कारण से हो या फिर कुछ भी कारण से, ये टोटल रास्ता को क्लियर करता है, तो जिस कारण से आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, ठीक है। जाइलोमेथाजोलिन आपको किसी भी मेडिसिन शॉप में आप जाके अगर पूछेगा मुझे जाइलोमेथाजोलिन नेसल ड्रॉप दीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो बच्चा का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आपको कितना ड्रॉप लेना है। रात में अगर एक बार आप यूज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम दो बार यूज़ कीजिए तो ये सबसे बेहतर है, इससे ज़्यादा मत यूज़ कीजिए इसको, ठीक है। ऐसे तो हानिकारक इसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको साइड इफेक्ट हिसाब से दिखाई दे, नाक में खुजली वगैरह आना या फिर हाथी नॉन स्टॉप होना, अगर इस तरीके का अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप इसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बदले आप कोई भी जो वीक का डंडा वगैरह आता है इनहेलर वो भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए नहीं, ये एडल्ट के लिए है, और पेडियाट्रिक का अलग ही होता है। तो पेडियाट्रिक के यहाँ पे लिखा रहेगा पेडियाट्रिक, यानी कि जो मासूम बच्चे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये मार्केट में आपको किसी मेडिसिन शॉप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, खाली नसल ड्रॉप आपको बोलना पड़ेगा और जिस टाइम नाक बंद हो रहा है उस टाइम सिर्फ एक प्रेस करना है आपको, बस आपका नाक खोल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग DR TV। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।